आजकल माइक्रोवेव हर घर की जरूरत सा हो गया है। बात जब किचन की हो तो हम माइक्रोवेव ओवन को कैसे भूल सकते हैं। इसे भले हम लोगों में से बहुत से लोग इस्तेमाल करना जानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि माइक्रोवेव क्या है, ये काम कैसे करता है, और सबसे जरूरी बात, क्या माइक्रोवेव से कैंसर होता है, जो कि आजकल हमें बहुत सुनाई देता है। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे माइक्रोवेव के बारे में और जानेंगे कि क्या इससे सच में कैंसर होता है या एक अफवाह है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या होता है माइक्रोवेव? दोस्तों, एक माइक्रोवेव ओवन बहुत ही पॉपुलर किचन डिवाइस होता है, जो कि ठंडे खाने को गर्म करने पकाने का काम करता है। मगर मजेदार बात यह है कि ये किसी आग या तपिश का इस्तेमाल इसमें नहीं करता, बल्कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के जरिए खाना गर्म करता है। मगर इसके बारे में जानने से पहले आइए जानते हैं कि इसका आविष्कार कैसे हुआ था। आपको जानकर बहुत हैरानी होगी कि माइक्रोवेव का इन्वेंशन एक गलती है। जी हाँ, दरअसल जिस साइंटिस्ट ने इसका आविष्कार किया था, वो असलियत में इसको खोजना ही नहीं चाहते थे। वो तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पर काम कर रहे थे और फिर गलती से माइक्रोवेव का आविष्कार हो गया। आपको बता दें कि पर्सी स्पेंसर नाम के वैज्ञानिक मैग्नेट्रॉन नाम के एक डिवाइस पर काम कर रहे थे, और ये मैग्नेट्रॉन काफी पावरफुल रेडिएशन उत्पन्न करते हैं। और जब ये उस पर काम कर रहे थे, तब उस मैग्नेट्रॉन से निकली वेव्स ने कुछ ऐसा किया कि माइक्रोवेव का आविष्कार हो गया। हुआ ये कि जब वो वेव्स उत्पन्न हो रही थी, तब स्पेंसर के पॉकेट में रखा एक कैंडी बार वेव्स की वजह से पिघलने लगा, क्योंकि वेव्स ने गर्मी प्रोड्यूस की और कैंडी बार पिघल गई। जब उन्होंने ध्यान दिया तो उनके दिमाग में एक आइडिया आया कि क्यों ना इन वेव्स के इस्तेमाल से खाने को गर्म किया जाए। तब जाके माइक्रोवेव का इन्वेंशन हुआ। मगर यहाँ ये समस्या थी कि मैग्नेट्रॉन से निकलने वाली वेव्स बहुत हाई होती हैं, जो कि हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक हो सकती हैं, और कम वेव्स पर अगर ओपन में खाना गर्म करके इसे इस्तेमाल किया जाए तो इतने बड़े एरिया में एक पर्टिकुलर खाना टारगेट करना मुश्किल होगा और खाना गर्म नहीं होगा। इसलिए तब एक कॉम्पैक्ट बॉक्स का आइडिया सामने आया। अब जब ये मैग्नेट्रॉन वेव्स भेजता है तो उसको वापस लौटाकर खाने पर टारगेट करना होता है, जिसके लिए मेटल की एक शीट का इस्तेमाल किया गया। ऐसे में जब वेव सोर्स से निकलती हैं तो वो सामने लगी मेटल शीट से टकरा कर लौट आती हैं। अब वापस लौटने में एक और शीट लगा दी गई, जिससे वो वेव्स फिर से टकरा कर उसी बॉक्स में बंद रहने लग गई और खाने को गर्म करने लग गई। अब यहाँ सोचने वाली बात यह है कि आखिर ये वेव्स की वजह से खाना कैसे गर्म हो सकता है। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले ये समझना होगा कि किसी भी चीज में हीट प्रोड्यूस कैसे होती है। आम भाषा में कहा जाए तो अगर कोई भी दो चीज आपस में रगड़ खाती है तो वो हीट उत्पन्न करती है। जैसे कि आप अपनी दो हथेलियों को ले लीजिए और उन्हें आपस में जोड़कर रगड़िए। जब आप रगड़ेंगे तो आपके हाथ गर्म हो जाएंगे, और इसी तकनीक से आपका भी खाना गर्म हो जाता है। हैरानी की बात है ना, मगर जब आप देखेंगे तो समझ जाएंगे कि ये होता कैसे है। तो दोस्तों, जो भी हम खाना खाते हैं उसमें पानी जरूर होता है, किसी में थोड़ा कम तो किसी में ज्यादा, मगर पानी जरूर मौजूद होता है। और जैसा कि आपने पढ़ा भी होगा कि पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलकर बनता है। जब ये दोनों मिल जाते हैं तो पानी के मॉलिक्यूल्स कुछ इस तरह से पोलर शेप में दिखते हैं, मगर अभी एक शांत जगह पर बैठे होते हैं। मगर जैसे ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन पर अप्लाई होती हैं, ये फ्रिक्शन में आ जाते हैं और इनकी शेप ऐसी होती है कि इनको आसानी से मूव किया जा सकता है। और वेव्स जब खाने पर लगती हैं तो टॉर्क की वजह से ये मूव होने लगती हैं। अब ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, ये लहरों की तरह ट्रैवल करती हैं, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल्स भी एक बार नीचे जाते हैं और फिर ऊपर जाते हैं। इसकी वजह से ये आपस में टकराते रहते हैं, जिससे इसमें रगड़ पैदा होती है, और जब रगड़ पैदा होती है तो गर्मी निकलती है, और जब गर्मी निकलती है तो खाना गर्म हो जाता है। इसलिए कॉम्पैक्ट बॉक्स के अंदर रखा हुआ खाना जिसके ऊपर कंटिन्यूसली वेव्स छोड़ी जा रही हैं, वो गर्म हो जाता है। तो अब हमने ये तो जान लिया कि माइक्रोवेव काम कैसे करता है, मगर मेन बात आती है कि क्या इसमें खाना गर्म करने से कैंसर होता है। तो आपको बता दें कि ये गलत धारणा है और एक अफवाह है। ऐसा नहीं होता कि अगर आप माइक्रोवेव ओवन में खाना गर्म करेंगे फिर उसको खाएंगे तो कैंसर हो जाएगा। आपको बता दें कि हम आम जिंदगी में तमाम तरह के रेडिएशन झेलते हैं, जिनमें एनर्जी के कई लेवल्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक्सरे में बहुत ही ज्यादा ऊर्जा निकलती है, जो आराम से हमारे डीएनए को तोड़ सकती है। इसे आयनाइजिंग रेडिएशन कहा जाता है, और ये एक वक्त पर कैंसर के जोखिम का फैक्टर बन सकता है। लेकिन माइक्रोवेव को लेकर लोगों में गलत धारणा है। आपको बता दें कि न्यूट्रिशनिस्ट मानते हैं कि माइक्रोवेव में खाना पकाना एकदम सुरक्षित है, क्योंकि जैसा हमने आपको बताया कि माइक्रोवेव ओवन में खाने को गर्म करने के लिए
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और रेडिएशन का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ये इसमें पकाए गए खाने को कहीं से भी रेडियो एक्टिव नहीं बनाता है। बस ये माइक्रोवेव खाने को गर्म करता है, जिससे पानी के मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट होकर गर्म हो जाते हैं। इसके साथ साथ माइक्रोवेव में खाना पकाने और गर्म करने से कोई भी प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन ब्रेक नहीं होता है, जो कि डीएनए डैमेज होने के खतरे का कारण होता है। क्योंकि ये कम से कम खाना पकाने के समय का उपयोग करता है, इसलिए फूड के ज्यादातर प्रोटीन्स को बरकरार रखता है। मगर यहाँ भी बात और करने वाली है कि माइक्रोवेव पूरी तरह से सुरक्षित भी नहीं है। अगर इसका इस्तेमाल सही ढंग से नहीं किया गया तो यह आपकी सेहत के लिए हानिकारक भी हो सकता है। याद रखिए, अगर आप माइक्रोवेव के सामने ज्यादा देर तक खड़े रहेंगे तो ये भी आपको नुकसान पहुंचा सकता है, इसीलिए कभी भी ज्यादा समय तक इसके सामने खड़े नहीं होना चाहिए। साथ ही माइक्रोवेव में खाना पकाने के कारण रेडिएशन आप तक पहुंच सकती हैं। हालांकि उन मामलों में होता है जब कोई भी आदमी माइक्रोवेव के खुलने से निकलने वाले रेडिएशन के कॉन्टैक्ट में आता है, इसलिए कभी भी खाना गर्म होने के बाद पहले ओवन को अच्छे से बंद कर दीजिए और उसके थोड़ी देर बाद उसका दरवाजा खोलिए, क्योंकि माइक्रोवेव ओवन में दो इंटरलॉक सिस्टम होते हैं जो रेडिएशन को उस समय रोकते हैं जब उसका दरवाजा खोला जाता है। इसके अलावा किसी भी इंटरलॉकिंग सिस्टम के खराब होने की वजह से माइक्रोवेव ओवन काम करना बंद कर देते हैं। इस तरह आप माइक्रोवेव के सामने खड़े हो सकते हैं, क्योंकि ये बाहर माइक्रोवेव रेडिएशन को नहीं भेजता। मगर हमेशा ध्यान रखें कि माइक्रोवेव ओवन को ऑपरेट करते टाइम दरवाजा ठीक से बंद हो, वरना रेडिएशन आपको भी गर्म कर देंगी। तो दोस्तों, एक माइक्रोवेव कैसे काम करता है, उसके अंदर खाना कैसे गर्म होता है और साथ ही क्या ये हमारे शरीर के लिए हानिकारक है, ये सब हमने इस वीडियो में जाना। अब जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी चीज की हद उसके फायदे की जगह नुकसान पहुंचाने लगती है, इसीलिए अगर हम हद से ज्यादा इसका इस्तेमाल करेंगे तो वाकई ये नुकसानदायक होगी। मगर अगर यही हम लिमिटेड टाइम पर इसका यूज करेंगे तो ये आपको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाने वाला और कैंसर तो बिल्कुल नहीं होने वाला। तो इसी के साथ हम चलते हैं, मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। अगर आपके पास माइक्रोवेव है और आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक जरूर करिएगा, और साथ ही अगर आपके किसी दोस्त या रिलेटिव के पास ये डिवाइस है और आप चाहते हैं कि उसको इसकी सारी कार्यप्रणाली पता चल जाए तो वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। हम चलते हैं, मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में।